एक ये मॉडल है सोनी के अंदर, इसका जो रिजल्ट की क्वालिटी है ना, मैं कहता हूँ आप 1.5 लाख वाला DSLR भी लेकर आ जाओ, इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। ठीक है, जितना जूम आपने करना है आप जूम करें, आपका पिक्सल ख़राब नहीं करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा माइक लगाएं इसके अंदर आप, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाएं, 64 GB इसकी बिल्टन मेमोरी होती है। ये मैंने कहाँ से जूम ला के, ये कहाँ पे कैमरा लगा हुआ उसको मैंने जूम करके दिखा दिया आपको क्लियर। ठीक है, अभी हम सिर्फ ऑप्टिकल जूम यूज़ कर रहे हैं, इससे 2 गुना और ज़्यादा मजीद इसका जूम। ये सोनी का है SR1, काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि बदर भाई SR1 मेरे पास शॉर्ट हो गया था, अभी ये बिल्कुल नया स्टॉक आया है, इसके ऊपर ये बड़ा हुड भी लगा हुआ है। ठीक है, इसकी जूमिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है, LCD की इसके साइज़ बहुत बड़ा है, 30 GB इसकी बिल्टन मेमोरी होती है। ये दिखाता हूँ आपके व्यूअर्स को, ये जो है ना, ये टोशीबा कंपनी का कैमरा, टोशीबा का तो नाम हर बंदे ने सुना हुआ होता है। ठीक है, 40 GB इसके अंदर बिल्टन मेमोरी है। ठीक है, एक्स्ट्रा आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, और इसके साथ एक्स्ट्रा लेंस लगा हुआ है। ये देखें अभी ये लेंस लगा हुआ है, व्यू देखें कैसा दे रहा है, ये पूरा व्यू दे रहा है ना आपको, वाइड एंगल लेंस है। अगर मैं ये लेंस हटा दूंगा उसके बाद व्यू देखिएगा, ये एक्स्ट्रा लेंस इसके साथ है। अगर ये लेंस अलग से कोई बंदा लेना चाहता है तो उसको ये लेंस 8000 रुपये का मिलता है। ये पैनासोनिक का आया हुआ है, इसका मॉडल नंबर है MHD2। ठीक है, LCD रोटेट है, ये आप किसी भी प्रोफेशनल यूज़ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, शादी ब्याह में कहीं पे भी। इसके अंदर मैनुअल स्पीडें वगैरह सब धीमी होती हैं, दो मेमोरी कार्ड एक साथ आप लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 1 और 2। ठीक है, ये डायरेक्ट भी चलता है, बैटरी पे भी चलता है, इनके रिजल्ट की क्वालिटी एक अलग ही होती है। ये देखें आप, कहता हूँ ये विक्टर कंपनी का कैमरा है, हैंडी कैम है, इसकी जूमिंग बहुत अच्छी है, रिजल्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। ठीक है, ये डायरेक्ट आप 220 से भी चला सकते हैं। ठीक है, बैटरी टाइमिंग इस कम से कम 1.5 से 2 घंटे का बैटरी बैकअप होता है। जूम क्वालिटी देखें आप, इसको जितना भी जूम करें कोई पिक्सल वगैरह आपके जो है ना ये ख़राब नहीं करेगा। ठीक है, ये देखें आप बैकग्राउंड कितना ज़बरदस्त ब्लर कर रहा है ये। ये मैंने ट्राईपॉड को फोकस पे लिया हुआ है, बैकग्राउंड देखें, ये DSLR भी ऐसा बैकग्राउंड ब्लर नहीं देगा आपको। ये सोनी का है, इसके अंदर बिल्टन माइक होता है, एक्स्ट्रा माइक का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, 30 GB इसकी हार्ड डिस्क है, कैमरे की कंडीशन आपके सामने एज़ न्यू पीस है, बिल्कुल नया पीस है। ठीक है ना, ये अगर किसी भाई को लेना है तो ये उनको दे देंगे सिर्फ और सिर्फ 12000 रुपये का। 12000। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका भाई जाम उस्मान, आप देख रहे हैं जाम उस्मान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे मैं मौजूद हूँ न्यू डिजिटल लिंक बदर भाई की शॉप पर, एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बदर भाई काफ़ी अच्छा स्टॉक ले गए हैं भाई, हैंडीकैम के हवाले से, जो कि YouTube व्लॉगिंग के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए, अपने चैनल्स के लिए, किचन वीडियोस के लिए, इंडोर और आउटडोर वीडियोस के लिए बहुत ही अच्छे रेजोल्यूशन वाले हैंडीकैम आ गए और बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर सबसे बड़ा आपको मज़ेदार ऐसा कैमरा देखने को मिलेगा जो मूवी मेकिंग कैमरा होता है। अगर अक्सर मूवी मेकर जो कि अक्सर कमेंट्स करते रहते हैं और पर्सनली भी कॉल करते हैं कि मूवी मेकिंग कैमरे के हवाले से भी रिव्यू दें, तो इंशाल्लाह आगे चलकर आप उसका भी रिव्यू देंगे। तो बदर भाई के पास एक यूनिट आया हुआ है जो कि पैनासोनिक का है, मेड इन जापान है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मॉडल है और रेजोल्यूशन भी उसकी काफ़ी अच्छी है और प्राइस भी अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह। तो अभी मिलते हैं बदर भाई से और जानेंगे आज के स्टॉक के वाले से। अस्सलाम वालेकुम बदर भाई। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बदर भाई, बदर भी आज आपके पास है नहीं कैमरा, अच्छा स्टॉक आया हुआ है और इसके बाद आपके पास मूवी मेकिंग का अच्छा कैमरा आया हुआ है। आज हमारे पास माशाल्लाह से जो है ना हैंडी कैम के अंदर बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है। ठीक है, और ये कुछ चंद मॉडल हैं लेकिन ये सब मॉडल ऐसे हैं जो टॉप क्लास के मॉडल है। ठीक है ना, आपको पता है कि मैं वो आइटम मंगाता हूँ जो मुझे खुद को बहुत पसंद हो। ठीक है, जो व्यूवर्स को यूज़ करने में भी अच्छा लगे, उनको भी उनका जो मकसद है ना वो पूरा होना चाहिए। ठीक है ना, अगर वो पैसे खर्च कर रहे हैं तो उनका मकसद भी पूरा होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ मंगाता हूँ कि जो उनके काम की हो। ये वो कैमरे हैं जो आप शादियों के इवेंट्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपके घर पे अगर आपने कोई चैनल बनाया हुआ है, यूट्यूब चैनल है, प्रैंक वीडियो बनानी है तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत दूर से आप बहुत अच्छा जूम कर सकते हैं और रिज़ल्ट की क्वालिटी बहुत हाई क्लास होती है। इनके अंदर ये है कि पिक्सल ड्रॉप नहीं होते, फोकस बहुत फास्ट होता है इनका। ठीक है ना, मेरे हिसाब से DSLR से अच्छी वीडियो ये बनाते हैं। ठीक है ना, DSLR का काम होता है असल फोटोग्राफी के लिए।
तो वो वीडियोग्राफी में भी यूज़ होते हैं, लेकिन वीडियो का इतना ख़ास नहीं होता है जितना ख़ास इनके अंदर होता है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह भी इनके व्यूज़ दिखाता हूँ आपको, इनके रिजल्ट दिखाता हूँ। हाँ, ये वो कैमरा है जो अपना शादियों के इवेंट्स वगैरह में आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं, और ये चैनल वाले भी यूज़ करते हैं ये मॉडल। ठीक है ना, तो मैं इसके भी रेट बहुत मुनासिब रेट है इंशाल्लाह। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी धमाकेदार और बहुत ही मीठी प्राइस वाली होने वाली। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, चैनल पर नाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो के देखें और हमारी वजह से भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो बिकॉज वीडियो स्टार्ट जी उस्मान भाई, मैं सबसे पहले आपके व्यूवर्स को एक कैमरा दिखाता हूँ। ये विक्टर कंपनी का कैमरा है, हैंडी कैम है, इसकी जूमिंग बहुत अच्छी है, रिजल्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। ठीक है, ये डायरेक्ट आप 220 से भी चला सकते हैं। ठीक है, बैटरी टाइमिंग इस कम से कम 1.5 से 2 घंटे का बैटरी बैकअप होता है। जूम क्वालिटी देखें आप, इसको जितना भी जूम करें कोई पिक्सल वगैरह आपके जो है ना ये ख़राब नहीं करेगा। ठीक है, ये देखें आप बैकग्राउंड कितना ज़बरदस्त ब्लर कर रहा है। ये मैंने ट्राईपॉड को फोकस पे लिया हुआ है, बैकग्राउंड देखें, ये DSLR भी ऐसा बैकग्राउंड ब्लर नहीं देगा आपको। ठीक है ना, इसमें आप एक्स्ट्रा माइक भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने ये चीज़ पहले बताई है, ये वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हर चीज़ आप यूज़ कर सकें। एक्स्ट्रा आप यहाँ पर लाइट, वीडियो लाइट लगाना चाहते हैं आप डायरेक्ट वीडियो लाइट लगाएं यहाँ पर। ठीक है, और आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे माइक भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, यहाँ पे इसका माइक का ऑप्शन है बकायदा। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा माइक लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप हेडफोन लगा सकते हैं, जो आपकी बातचीत हो रही है उसकी कैसी आवाज़ आ रही है। 120 GB बिल्टन मेमोरी है इसकी, 120 GB इसकी बिल्टन मेमोरी है। ठीक है, और मूवमेंट इसकी LCD की पूरी अपनी तरफ भी आप कर सकते हैं, अपना व्यू अपने आप भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी वीडियो बनाएं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ट्राईपॉड पे भी लगाएं इसको। इसके अंदर ये अगर किसी भी भाई को लेना है ये उनको मिल जाएगा 15,000 रुपये का, सिर्फ 15,000 रुपये का दे रहा हूँ मैं। और इसके रिज़ल्ट की क्वालिटी देखें, 120 GB की तो हार्ड डिस्क है इसके अंदर। ठीक है ना, एक्स्ट्रा माइक वगैरह लाइट वगैरह सब ऑप्शन है इसके अंदर। नॉर्मल बहुत ज़बरदस्त कैमरा है ये, अगर यूट्यूबर्स वगैरह को यूज़ करना है तो। ये होते जैपनीज कैमरे होते हैं, ये जापानी लैंग्वेज के अंदर होते हैं, लेकिन लैंग्वेज से आप लोग टेंशन ना लिया करें। मैंने इसकी लैंग्वेज का पहले भी डिटेल बताई है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल में खोलें, मोबाइल के अंदर आपके पास होता है जो भी गूगल है वहाँ पर आप जाएँ, गूगल के अंदर ट्रांसलेट आपके पास दिया हुआ होता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे आप कैमरे के ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांसलेट दिया हुआ है, यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको, ये इंग्लिश टू इंग्लिश हो गई है। ठीक है, जो भी आपने जैपनीज लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट करनी है वो करके इसको आप खाली इसके ऊपर ऐसे करके आप लेकर आएंगे ना, कहाँ गया कैमरा हमारा, ये रहा, इसको आप क्लिक करें। ठीक है, ये आप इसकी पिक्चर ले लें, ये सब चीज़ें आपको जो है ना इंग्लिश में शो करना शुरू कर देगा। हाँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाती है। ये चंद चीज़ें होती हैं, चंद फंक्शन होते हैं जो आपने देखने होते हैं, बाकी तो आपको ज़रूरत ही नहीं होती, सारी चीज़ें ऑटो चल रही होती हैं इसके अंदर। ठीक है, ये ट्रांसलेट आपके हर मोबाइल के अंदर होता है, गूगल के अंदर होता है। हाँ, अब ये है कि ये अगर ये इंग्लिश में होता है ये कम से कम जो है ना ये 45,000 रुपये के रेट होने थे इसके। ठीक है ना, और रेट अभी भी इसके मैं अपनी तरफ से बहुत कम रेट दे रहा हूँ, वैसे इसके रेट भी जो है ना कम से कम 22-23,000 रुपये के रेट है। मैंने 15,000 रुपये के रेट दिए हैं आपके व्यूवर्स को, तो ताकि जो है ना जिनका बजट कम है वो काम करना चाहते हैं यूट्यूब पर, वो काम करें, अच्छी चीज़ें ये यूज़ करें। ठीक है ना, इसके बाद सेकंड नंबर पे मैं ये दिखाता हूँ, ये सोनी का है, इसके अंदर बिल्टन माइक होता है, एक्स्ट्रा माइक का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, 30 GB इसकी हार्ड डिस्क के, कैमरे की कंडीशन आपके सामने एज़ न्यू पीस है, बिल्कुल नया पीस है। ठीक है ना, ये अगर किसी भाई को लेना है तो ये उनको दे देंगे सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये का, 12,000 रुपये का सोनी का मेड इन जापान, 30 GB हार्ड डिस्क है, खाली इसकी हार्ड डिस्क जो है ना वही 6,000 रुपये की हार्ड डिस्क है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे मैं ये दिखाता हूँ आपके व्यूअर्स को, ये जो है ना ये टोशीबा कंपनी का कैमरा, टोशीबा का तो नाम हर बंदे ने सुना हुआ होता है। ठीक है, 40 GB इसके अंदर बिल्टन मेमोरी है। ठीक है, एक्स्ट्रा आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, और इसके साथ एक्स्ट्रा लेंस लगा हुआ है, ये देखें अभी ये लेंस लगा हुआ है, व्यू देखें कैसा दे रहा है, ये पूरा व्यू दे रहा है ना आपको, वाइड एंगल लेंस है। अगर मैं ये लेंस हटा दूँगा उसके बाद व्यू देखिएगा, ये एक्स्ट्रा लेंस इसके साथ है। अगर ये लेंस अलग से कोई बंदा लेना चाहता है तो उसको ये लेंस 8,000 रुपये का मिलता है। ये लेंस हटा दिया, देखें व्यू अब थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, वाइड एंगल कम हो गया। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट इसी लेंस के साथ, बैटरी चार्जर
और ये डायरेक्ट आपका 220 पे भी चलेगा और ये डायरेक्ट आपका चलेगा, ठीक है ना। किसी भी भाई को ये कैमरा लेना हो तो ये उनको मैं दे दूंगा भाईजान 18,000 रुपये का, सिर्फ 18,000 रुपये का दे रहा हूँ। LCD रोटेट है, अपनी तरफ पूरा कैमरा मूव करें, ठीक है। LCD मूव जहाँ पे करनी है करें, ठीक है सर। 10x ऑप्टिकल जूम है, डिजिटल जूम प्लस करेंगे तो बढ़ जाएगा इसका। सेकंड नंबर पे मैं आपको अभी ये दिखाने जा रहा हूँ, ये सोनी का है SR1। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि बदर भाई SR1 मेरे पास शॉर्ट हो गया था, अभी ये बिल्कुल नया स्टॉक आया है, इसके ऊपर ये बड़ा हुड भी लगा हुआ है, ठीक है। इसकी जूमिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है, LCD की इसके साइज़ बहुत बड़ा है, 30GB इसकी बिल्ट इन मेमोरी होती है, एक्स्ट्रा कार्ड इसके अंदर नहीं लगता है, जैपनीज लैंग्वेज होती है ये, ठीक है। ये जूमिंग देखें आप, जितना भी आप दूर का जूम करेंगे पिक्सल ख़राब नहीं करेगा, ये टच स्क्रीन होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा माइक इसके अंदर आपका बाकायदा लगेगा, ठीक है, ये टच स्क्रीन है ये देखें, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा माइक लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसमें आप माइक भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है माइक का, मैनुअल फोकस आप कर सकते हैं, ठीक है। और फ्लैश का ऑप्शन भी है, इसके अंदर फ्लैश लाइट भी होती है, आप पिक्चर भी ले सकते हैं, इनके अंदर पिक्चर भी HD पिक्चर आप ले सकते हैं। ये किसी भी भाई को लेना है तो ये 22,000 का दे दूँगा, सिर्फ 22,000 का दे रहा हूँ। ये कैमरा देखें आप, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये पैनासोनिक का आया हुआ है, इसका मॉडल नंबर है MDH2, ठीक है। LCD रोटेट है, ये आप किसी भी प्रोफेशनल यूज़ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, शादी ब्याह में कहीं पे भी, इसके अंदर मैनुअल स्पीड वगैरह सब धीमी होती हैं, दो मेमोरी कार्ड एक साथ आप लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है 1 और 2, ठीक है। ये डायरेक्ट भी चलता है, बैटरी पे भी चलता है, इनके रिजल्ट की क्वालिटी एक अलग ही होती है, ये देखें आप। अब यहाँ पे इसके अंदर आपके पास यहाँ पे लाइटिंग का कंट्रोल दिया हुआ होता है, आप जितनी लाइट बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, जितनी कम करना चाहते हैं ये मैंने कम कर दी लाइट। किसी भी भाई को लेना है ये उनको दे देंगे 35,000 का, सिर्फ 35,000 का दे दूंगा। और बॉक्स भी है इसका, बॉक्स के साथ है, बिल्कुल फ्रेश पीस है, कंडीशन 10 of 10 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, सोनी के अंदर एक मेरे पास आया हुआ है, एक ये मॉडल है सोनी के अंदर, इसका जो रिज़ल्ट की क्वालिटी है ना, मैं कहता हूँ आप 1.5 लाख वाला DSLR भी लेकर आ जाओ, इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब मैं इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ आपको, जितना जूम आपने करना है आप जूम करें, आपका पिक्सल ख़राब नहीं करेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा माइक लगाएं इसके अंदर आप, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाएं, 64GB इसकी बिल्ट इन मेमोरी होती है। ये मैंने कहाँ से जूम ला के, ये कहाँ पे कैमरा लगा हुआ उसको मैंने जूम करके दिखा दिया आपको क्लियर, ठीक है। अभी हम सिर्फ ऑप्टिकल जूम यूज़ कर रहे हैं, इससे 2 गुना और ज़्यादा मजीद इसका जूम हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सोनी का ओरिजिनल है, ये भी मेड इन जापान है, 64GB इसकी बिल्ट इन मेमोरी है, 20.4 MP इसका कैमरा है, ठीक है, 20.4 MP इसका कैमरा है, फुल HD वीडियो है, मतलब इसकी जो वीडियो है ना आप समझ लें आप 4K बना रहे हैं वीडियो, ठीक है ना। रेजोल्यूशन पे ना जाएं, इसके रिजल्ट पे जाएं, रिजल्ट आप 4K वीडियो बना लें और ये इसकी वीडियो बना लें, कोई फ़र्क मेरे को दिखा दें ये कैमरा गिफ्ट दे दूंगा मैं, अगर कोई फ़र्क दिखा दें मेरे को, लिखे हुए पे नहीं, रिजल्ट की क्वालिटी के ऊपर फ़र्क दिखाओ मेरे को, ठीक है भाई। ये किसी भी भाई को ये कैमरा लेना हो तो ये उनको दे देंगे, ये 64GB हार्ड डिस्क वाला कैमरा है। और इसके पास सेकंड नंबर में मेरे पास इसी का सोनी का आया भाई, ये प्रोफेशनल कैमरा भी है, इसके ऊपर हुड भी लगा हुआ है, ठीक है, ये भी उसी तरीके से है, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, 64GB इसकी भी हार्ड डिस्क है, ठीक है, 5.1 इंच की LCD है और जी लेंस लगा हुआ है इस पर, जी लेंस, ठीक है, GPS वगैरह सब है इनके अंदर, एक्स्ट्रा माइक का ऑप्शन भी है। अभी मैं इसको आपको ये करीब का जूम भी करके दिखा देता हूँ, मैं ये भाई खड़े हुए हैं आए हुए हैं, ये जितना भी आप जूम करें ये पिक्सल ड्रॉप नहीं करेगा, ये देखिए, जहाँ का जूम करना है आप जूम करें, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये किसी भाई को लेना हो तो ये उनको दे देंगे भाईजन
27,000 का दे दूंगा, 27,000 का। ये वाला जो कैमरा है जिसकी मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये 64 GB हार्ड डिस्क है, 20.4 मेगापिक्सल इसका कैमरा है, ठीक है। इसका रिज़ल्ट मैंने भी आप लोगों को दिखाया है, बहुत शार्प रिज़ल्ट है। दोबारा से आप देखें इसको, करीब से भी आप देखें, जितना भी आप करीब से जूम कर लें, फोकस कर लें, ये कोई पिक्सल आपके ड्रॉप नहीं करेगा, एक एक चीज़ आपको ऐसी क्लियर दिखाएगा। ये किसी भी भाई को ये कैमरा लेना हो, ये उनको मिल जाएगा 32,000 का। ये 32,000 रुपये का दे दूंगा मैं, ठीक है। सोनी का ओरिजिनल कैमरा है, जैसा कि ये समझ लें ये 4K कैमरा है, ऐसा रिज़ल्ट है इसका जैसा 4K कैमरों का रिज़ल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड एक और चीज़ है, वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये सोनी का है प्रोजेक्टर वाला कैमरा, ठीक है। इसके रिज़ल्ट की क्वालिटी भी बहुत आला है, और इसके अंदर प्रोजेक्टर भी दिया हुआ है। अभी तो यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है, अगर थोड़ी लाइट कम हो तो आप दीवार के ऊपर इसके प्रोजेक्टर से इसके सारी व्यूज़ आप देख सकते हैं, जो वीडियो आपने बनाई हुई वो सब देख सकते हैं आप। इसके मेगापिक्सल मैं आपको अगर बताऊँ तो ये भी 20.4 मेगापिक्सल कैमरा है, मॉडल नंबर है PJ590, ठीक है ना। इसके नए के रेट जो है ना, अभी इस वक्त जो चल रहे हैं ना, 130,000 रुपये के रेट हैं, 130,000 रुपये के रेट हैं। लेकिन ये मैं आपके चैनल के तबस्सुम से लोगों को, जो भी कोई लेना चाहे उनको मैं दे दूंगा 45,000 का, सिर्फ 45,000 रुपये का दे दूंगा। इसके रिज़ल्ट की क्वालिटी भी बहुत आला है। अभी हम इंडोर के अंदर खड़े हुए, अगर आउटडोर पे जाएंगे तो इसके जूम को जो है ना हम कवर भी नहीं कर सकेंगे, इतना जूम है। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होगी जो इतनी दूर हो हम जूम ज़्यादा कर सकें। इसका मतलब हमारी नज़र जहाँ पे जाके ख़त्म होती है उससे 2 गुना ज़्यादा आगे तक का जूम करता है ये, इतना ज़बरदस्त जूम है इसका। ये 45,000 का मिल जाएगा। तो जिस भाई को भी जो भी चीज़ लेनी हो, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, इनकी आपको मैंने डिटेल बताई है, आप इनका स्क्रीनशॉट लें, मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 03052276616। मेरे पास व्हाट्सअप आपका आएगा, स्क्रीनशॉट आएगा, मैं उसके रेट और बता, मज़ीद जो कमी पेशी होगी वो भी कर देंगे, और कैश ऑन डिलीवर करेंगे, ठीक है ना। इनके डिलीवरी चार्जेस जो है, इनका वेट ज़्यादा होता है तो इस पर कम से कम जो है ना 800 या 1000 रुपीज़ लगते हैं। तो आपसे हम डिलीवरी चार्जेस पहले लेंगे 1000 रुपये, उसके बाद जहाँ का आपका एड्रेस होगा वहाँ पर डिलीवर करेंगे, आपके पास चीज़ पहुँचेगी, आप वहाँ पर TCS वालों को पेमेंट देंगे,